हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास टू का सोशल स्टडीज़, जो कि सेंट जेवियर स्कूल से रिलेटेड है। तो आज यूनिट फर्स्ट आवर फैमिली में चैप्टर वन द फैमिली के पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज वन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सी टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड कुक फूड। ठीक है, कौन है जो कि बच्चों को कुक फूड करके खिलाता है और उनका टेक केयर करता है? ठीक है, ए मदर, बी फादर, सी अंकल, डी आंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर। मदर हमें है जो कि खाना बना के खिलाती है। ओके, देन सेकंड, पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर मैक ए डैश। ठीक है, ये कौन सी फैमिली होती जहाँ पेरेंट्स और दो बच्चे रहते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके रहते हैं, उसे कौन सी फैमिली कहते हैं? ए स्मॉल फैमिली, बी ज्वाइंट फैमिली, सी सिंगल फैमिली और डी डिस्टेंट फैमिली। तो आंसर हो जाएगा स्मॉल फैमिली, जहाँ पे पेरेंट्स और उनके दो बच्चे रहते हैं उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए। थर्ड, पेरेंट्स लिविंग विथ टू और थ्री चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स मैक। तो ये जो पेरेंट्स रहते हैं अपने दो या तीन बच्चों के साथ और साथ में उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो वो कौन सी फैमिली कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन सी सिंगल फैमिली और ऑप्शन डी डिस्टेंट फैमिली। तो आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, ऑप्शन बी ज्वाइंट फैमिली। नेक्स्ट, फोर, वन हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। परिवार के लिए कौन है जो कि मनी लाता है? ठीक है, मनी कमाता है। ए ग्रैंड पेरेंट्स, बी फादर, सी मदर, डी ग्रैंड फादर। तो इसका आंसर हो जाता है फादर। ठीक है, कभी भी कोई भी परिवार होता है उसमें फादर ही सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन बी फादर। नेक्स्ट आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन के आंसर्स हैं ए मदर, दूसरा स्मॉल फैमिली, तीसरा ज्वाइंट फैमिली और चौथा है आपका फादर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। मैच द कॉलम, कॉलम वन, कॉलम वन से कॉलम टू को मिलाना है। तो कॉलम वन है इसमें, ठीक है, फर्स्ट है पेरेंट्स विद टू चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर, सेकंड है ग्रैंडफादर, अंकल, आंट्स, कज़न। ठीक है, थर्ड, थ्री न्यूक्लियर फैमिलीज लिविंग टुगेदर, फोर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, फाइव कुक्स फूड एंड लुक्स आफ्टर द होम। कॉलम बी, ज्वाइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली, मदर, लार्ज फैमिली और फादर। ठीक है, ये आपका कॉलम ए और कॉलम टू। ठीक है, कॉलम वन और कॉलम टू का हो गया। अब इसका आंसर कॉलम ए से ये आप लोग का आंसर है। कॉलम ए का जो पहला उससे उसमें क्या मिलेगा? स्मॉल फैमिली, और दूसरे में होगा ज्वाइंट फैमिली, तीसरा होगा लार्ज, चौथा फादर और पांचवा मदर। तो ये आप लोग का आंसर है, इसे राइट डाउन कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं सी, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरना है, ठीक है, जो कि वर्ड दिए गए हैं, चिल्ड्रन, ज्वाइंट, न्यूक्लियर, टू। ठीक है, फर्स्ट है पेरेंट्स एंड डैश मेक अ फैमिली। आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन दूसरा, देयर आर डैश और मोर स्मॉल फैमिलीज इन अ ज्वाइंट फैमिली। तो देयर आर टू और मोर स्मॉल फैमिलीज इन अ ज्वाइंट फैमिली, आंसर इज टू। थर्ड, अंकल्स, आंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजन्स मेक अ ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, इन्हें कभी कभी लार्ज फैमिली भी कहा जाता है। तो ये होते हैं ज्वाइंट फैमिली, आंसर इज करेक्ट ज्वाइंट। नेक्स्ट, फोर, ए डैश फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ फादर, मदर एंड टू चिल्ड्रन। तो ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फैमिली। ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फादर, मदर एंड टू चिल्ड्रन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, एक्सरसाइज डी, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज अ फैमिली? आंसर, ए फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, इन्हें ही हम फैमिली कहते हैं। सेकंड, व्हाट इज ए स्मॉल फैमिली? छोटा परिवार क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, इफ पेरेंट्स हैव अप टू चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड अ
स्मॉल फैमिली। ठीक है, यदि पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स के पास दो बच्चे हैं तो उसे ही हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ ए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या है। आंसर, ए फैमिली वेयर मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। जहाँ पे ये सारे लोग साथ मिल करके रहते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, सामूहिक परिवार कहते हैं। तो बच्चों, ये आप लोग का चैप्टर का एक्सरसाइज था जो कि ख़त्म हुआ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।